बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? फाइन, ओके। हाउ आर वी गोइंग? ठीक हो रहा है ना काम? जो हल्की फुल्की केमिस्ट्री है, तंग तो नहीं कर रही? तो चेन फॉर्म, रिंग फॉर्म, ये सारा कुछ ठीक चल रहा है? बनाने आ रहे हैं, हमने प्रैक्टिस की थी, आपने शायद दोबारा भी प्रैक्टिस की हो। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है ना? प्रैक्टिस मजीद कीजिएगा इनकी। तो थोड़ा बहुत पूछ लूँ, वो ओहो, ये छुपी हुई है लड़की, जरमीन, जरमीन जल्दी से आंसर दो, इतने दिन से चुप के बैठी हुई है। व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन, यस, ओके ओके, चलें, शाबाश शाबाश। एक और भी है नज़र आ रही है, ये लड़की, ये पता नहीं तत्हीर है इसका नाम या ऐसा कोई नाम, इसकी अम्मी बता रही थी। हाँ, तो तत्हीर बताओ, व्हाट इज ग्लूकोपाइरानोज? रिंग ऑफ ग्लूकोज, 5 कॉर्नर्ड, 6 कॉर्नर्ड रिंग ऑफ ग्लूकोज, ओके, ठीक है, शाबाश। अली चलो आप बताओ, अली क्या सुनाओगे? व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? व्हेन 2 to 10 मोनो, ठीक ठीक, शाबाश। अनस आप सुनाओ, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ओके, चलें, शाबाश, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। तो बेटो और बेटियों, हम रिंग्स की प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने आखिरी बात प्रीवियस टॉपिक में की थी कि ये सारे डाइसैकेराइड्स हैं, फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड माल्टोज है और लैक्टोज है और सुक्रोज है। मैंने कहा था सुक्रोज का कंप्लीट फार्मूला हम बाद में बनाएंगे, तो आज अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हल्का सा एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको कि ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन दो का नेम हमारी बुक में बताया हुआ है। वैसे याद रखिएगा कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर रिड्यूसिंग शुगर्स, और इसका नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये हमारी बुक में है कहीं आगे किसी और चैप्टर में। जो सुक्रोज है, ये एमसीक्यू है, इट इज़ ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, वाइल मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो हल्का सा आइडिया ले लेते हैं, यहाँ हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी पता तो हो ना कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं। द शुगर्स विच कैन रिड्यूस अदर्स, जो दूसरों को रिड्यूस कर सकें, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकें, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इनमें जो होता है ना, इनका फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड था, जैसे कीटोन, वहाँ पे जो OH लगता है, बाद में OH बन जाता है, वहाँ पे वो फिर रिड्यूस कर रहा था दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखता है, तो इसलिए इन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। और जो ना डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो अब हम आ रहे हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सुक्रोज, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं और दोनों का फार्मूला C6H12O6 है। दोनों मिलके बनाते हैं सुक्रोज, और सुक्रोज का सिंपल फार्मूला कौन सुना रही है? कोई स्टूडेंट, मेल फीमेल कोई भी? C12 C12, हाँ शाबाश, H22O11, राइट। ये बन गया
सुक्रोज का फार्मूला आपने सुना दिया, ठीक है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने लगे हैं। तो इस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने में आपको ग्लूकोज रिंग बनाना आता है सारे बच्चों को। तो आपने छः कोने वाली स्ट्रक्चर बना ली और इस स्ट्रक्चर में कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ओ कहाँ लगाना है, कार्बन 1 और 5 के दरमियान में ओ लगा दिया। और फिर आपने 6 पूरा ग्रुप CH2H रिंग से बाहर लगा दिया, बाकी जगहों पे HOH लगाते जाइए, HOH लगाते जाइए, HOH लगाते जाइए। ये सारा आपको आता है बनाना। अब मैं पहले आपको सिखाता हूँ फ्रुक्टोज को कैसे ड्रॉ करना है। फ्रुक्टोज को ये मैं आपको पेज दिखाता हूँ आगे। ये देखिए, ये चले, ये देखिए, ये जी आपने, आपको ज़रूरत नहीं है बनाने की इसको, इसका चेन, लेकिन फिर भी आपको सिखा देता हूँ मैं। आपने ये भी आइसोमर है ग्लूकोज का और इसका फार्मूला भी C6H12O6 है। तो आप क्या करेंगे, इसमें वही 6 कार्बन को आपस में ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, ये इसका चेन बना दीजिए कार्बन्स का। फिर ये कीटो शुगर है, ये मैंने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कीटो शुगर है, तो इसमें कार्बन 2 पे कीटोन ग्रुप लगाना है। जबकि एल्डिहाइड ग्रुप जो हमने लगाया था ग्लूकोज में और राइबोज में और ग्लिसरल एल्डिहाइड में, वो कार्बन 1 पे इस जगह पे हमने लगाया था CHO लगाया था। कीटोन ग्रुप कार्बन 2 पे लगाना है आपने, कार्बन 1 पे नहीं लगा सकते क्योंकि कार्बन 1 की वैलेंसी फिर पूरी नहीं होगी अगर वहाँ पे हम लगाते हैं तो। फिर भी मेरी बात क्लियर ना हो रही हो तो मुझसे दोबारा समझ लीजिएगा, ये वाली बात बड़ी आसान सी बात है। तो कार्बन 2 पे हमने लगा दिया कीटोन ग्रुप C(O). हमने बाकी जितने कार्बन बच गए, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब पे OH लगा दो। कार्बन 3 पे इसमें भी OH लेफ्ट पे लगाओ, बाकी सारे OH राइट पे लगा दीजिए। ये चेन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लिहाजा नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, जस्ट आइडिया देने, क्योंकि रिंग हम बनाते हैं चेन को देख के, इसलिए इसका मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो आपने पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी लगा दिए और उसके बाद वैलेंसी पूरी कर दीजिए, हाइड्रोजन लगाते जाइए। पहले कार्बन पे 2 लगेगा, ये बनेगा CH2OH। दूसरे कार्बन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1, 2, 3 और 4, ये 4 आपने अब बना दिए, इसके बाउंड पूरी कर दी वैलेंसी। इसमें H लगाते जाइए, यहाँ पे आखिर में फिर 2H लग रहे हैं, ये बन जाएगा CH2H। तो एक CH2H यहाँ एंड पे है और एक CH2H, ये दोनों हैवी अल्कोहल ग्रुप 1 और 6 कार्बन पे हैं इसमें। अब वो जो रिएक्शन जब होगा तो कार्बन 5 और 2 के दरमियान इसका बनना है रिंग, 2 और 5 के दरमियान। और क्योंकि 5 जो है वो सेकंड लास्ट है, मैंने कहा था सेकंड लास्ट वाला अल्कोहल का ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो तरीका वही है जो मैंने बताया था, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसका H जो है ये चला जाएगा इस O के पास, ये बन जाएगा OH, और इसका जो O है वो दरमियान में यहाँ से जाके, वो दरमियान में यहाँ हम दिखा देंगे, और इसका दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन की दूसरी वैलेंसी पूरी करने, ये इस कार्बन के साथ जाके, सॉरी इस कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। तो इस तरह से कार्बन 2 और 5 के दरमियान ऑक्सीजन आ जाएगा। इधर देखते हैं, यहाँ से और आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसका, हालांकि 6 कार्बन है लेकिन रिंग की जो शेप है वो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज वाले शेप नहीं है, ये राइबोज वाली 5 कार्बन वाली शेप में है। ये देखिए रिंग, ये 5 कोने वाला रिंग बन रहा है इसमें। वजह ये है कि इसमें पहला कार्बन भी रिंग फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, ये वाला, ये पूरा,
ये रिंग से बाहर आएगा और ये भी रिंग से बाहर आएगा, इसलिए बाकी कार्बन बच गए 4। ये देखिए ये 2, 3, 4 और 5, ये 4 कार्बन ये रिंग के अंदर है, इसलिए रिंग इसका बन रहा है 5 कोने वाला। तो 5 कोने वाला रिंग ड्रा कर दीजिए, एक लाइन ये ओ से नीचे, एक लाइन ये, फिर एक लाइन यहाँ से तिरछी, एक लाइन यहाँ से तिरछी ले आइए और दोनों को जोड़ दीजिए इस तरह से रिंग बना के। अब कार्बन की नंबरिंग इसकी उल्टी शुरू करनी है आपने, हमारी बुक ने यहाँ से शुरू किया, आप चाहो तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, इस एंड से, यहीं से, यहाँ से कार्बन 1 आए और यहाँ पर 2 आए और यहाँ पर 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, या यहाँ से शुरू कर दो, हमारी बुक ने यहाँ से किया है। कार्बन 1, 2, ये 1 को रिंग से बाहर दिखाया है क्योंकि ये देखा ना रिंग से बाहर आएगा, रिंग यहाँ तक बन रहा है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फिर रिंग से बाहर है, ये वाला पूरा ग्रुप ये यहाँ बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने छोड़ दी है जगह इसकी कि कहाँ एच आएगा, कहाँ ओ एच आएगा, आप खुद बनाएंगे ये अभी थोड़ी देर में, बाद में लेक्चर के बाद आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। और वरना तो हमने बनाया तो हुआ है हमारे टॉपिक में, वहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे याद रहे ये एच उधर से आएगा इस 5 कार्बन वाला, तो ये ओ एच बन चुका होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे अब 1 होगा, लिहाजा आपने ये यहाँ ध्यान करना है, यहाँ पे ध्यान से ये काम करना है। तो ये कार्बन 1, तो CH2OH पूरा यहाँ पे लगा दीजिएगा। कार्बन 2 के पास देखिए क्या है, मैंने कहा है OH बन जाएगा, तो इसके नीचे मैंने लाइन लगा दी, आप यहाँ पे OH लगा दीजिएगा। 3 पे HOH, 4 पे HOH, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब देखिए मैंने एक हल्का सा रूल ही कह दीजिए, वो बताया था कि जो OH राइट साइड पे होंगे रिंग में वो कार्बन के नीचे आएंगे। अब देखिए कार्बन 4 का OH राइट पे है, यहाँ नीचे आना चाहिए बाय रूल, तरीका तो ये है, लेकिन हमारी बुक ने इसको ऊपर दिखाया हुआ है, ऊपर दिखा दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खैर है। और बाकी सारे ऐसे के ऐसे ही, 5 कार्बन ये है, 5 का आपको याद है OH चला गया उधर, चला गया था यहाँ पे और ओ दरमियान में आ गया था, एच उधर चला गया था कार्बन 2 के पास, इसके पास सिर्फ बच गया था एच। तो इस 5 कार्बन के पास यहाँ एच शो कर दीजिएगा और 6 कार्बन वाला पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ दिखाना, CH2OH यहाँ लिखना है आपने इस जगह पे, इससे आगे यहाँ पे। तो ये आपका रिंग बन गया और इसको वापस आते हैं हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसका वो वाली, ये देखिए ये हमने बना दिया ग्लूकोज का रिंग, HOH वगैरह सारे इसको शो कर दिए और ये फ्रुक्टोज का रिंग दिखा दिया। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्ट करके बनाएंगे सुक्रोज, C12H22O11। हालांकि देखना ये है C6H12O6 और प्लस हम कर रहे हैं C6H12O6, ये होना चाहिए था C6 और C6, C12 और H24 होने चाहिए थे और O12 होने चाहिए थे, लेकिन 2H और 1 O कम हो गया क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है। यहाँ देखना इसके फ्रुक्टोज के कार्बन 2 पे जो OH नीचे लगा हुआ है वो दे रहा है अपना H, और इधर ग्लूकोज के कार्बन 1 पे जो OH ग्रुप है ये OH और H, ये बन गया वाटर, तो ये वाटर लॉस हो गया, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है इनका, लॉस ऑफ वाटर। तो वाटर लॉस दिखा के बाकी चीज़ों को जोड़ दीजिए बस। तो ये देखिए यहाँ फिर वही ग्लूकोज बनाया, यहाँ पे फिर फ्रुक्टोज बनाया और कार्बन 1 से अब आगे ये बॉन्ड दिखा रहे हैं हम, ये बॉन्ड लाइन उधर से कार्बन 2 था उससे आगे बॉन्ड की लाइन आ रही है और यहाँ पे एच चला गया था, उसका ओ चला गया था, ये ओ बच गया था, ये वाला ये ओ ये दरमियान में हमने शो कर दिया। दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, समझ गया, सी ओ इधर सी सी ओ सी, इधर से देखो सी ओ, इधर से भी देखो सी ओ, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये पूरा जो दोनों रिंग अब जुड़ गए दोनों को मिला के ये पूरा दायरा मैं लगा रहा हूँ ऐसे हल्का शो कर रहा हूँ आपको, ये वाला ये पूरा सुक्रोज है और सुक्रोज में बॉन्ड किस किस कार्बन के दरमियान है, 1 और 2 MCQ याद रखिएगा।
इट इज़ 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज में कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। तो ये हमने सुक्रोज का फार्मूला बना दिया। तो उम्मीद है आप अब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉब्लम होगा तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के नेक्स्ट हिस्से की तरफ, लास्ट जो टाइप है इसकी, इट इज़ द पॉलीसेक्राइड। पॉली, जैसे हमने पीछे कहीं कहा था पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मैनी सैक्राइड शुगर। व्हेन मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर दे फॉर्म द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड पॉलीसेक्राइड। क्वेश्चन ये है कि मैनी का क्या मतलब, सेवरल या मैनी, इट मीन्स मोर देन 10। हमने कहा था व्हेन 2 to 10, जब 2 से 10 जुड़ेंगे तो वो बनेगा ओलिगो। 10, 2 जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े, 10 जुड़े, 10 से आगे 11 जुड़ रहे हैं, 15 जुड़ रहे हैं, 50 जुड़ रहे हैं, 100 जुड़ रहे हैं, 600 जुड़ रहे हैं, जितने भी आगे जुड़ते जा रहे हैं, दे ऑल विल कम्बाइन टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स, व्हेन दे कम्बाइन टुगेदर दे फॉर्म पॉलीसेक्राइड। और बॉन्ड कौन सा भाई, ग्लाइकोसिडिक, जो मोनोसेक्राइड में बॉन्ड बनता है वो ग्लाइकोसिडिक है। दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट है ना, बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे यूनिट्स जुड़ते जाएंगे, बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़ते जाएंगे, तो लॉन्ग मॉलिक्यूल बनते जाएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी उनकी। एक और एमसीक्यू, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, दुनिया में सबसे जो कसरत से पाए जाते हैं तीनों टाइप्स में से, दे आर पॉलीसेक्राइड्स। दे आर यूली ब्रांच्ड, इनकी ब्रांचेस भी होती हैं और चखने में फीके हैं। अब देखिए, पहले स्वीट इन टेस्ट थे, दूसरे पहले वालों से लेस स्वीट थे, और ये टेस्टलेस हो गए हुए हैं क्योंकि ये रिएक्ट करके इनकी केमिकल नेचर भी चेंज होती है ना, जब ये आपस में बॉन्ड बढ़ते जाते हैं और वाटर लॉस होता जाता है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, ज़ाहिर है ज़्यादा जो होती जा रही है तादाद, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ते जा रहे हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मुश्किल से हल होते हैं पानी में। और एग्जांपल्स अब हम देखते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रिन, एगर, पेक्टिन, काइटिन, इन सब के नाम आपको आने चाहिए। और जब भी पूछा जाए पता हो आपको, दे आर ऑल पॉलीसेक्राइड्स। स्टार्च की डिटेल में अभी हम जाने वाले हैं, ग्लाइकोजन की डिटेल में अभी हम जाने वाले हैं, सेलुलोज की डिटेल में जाने वाले हैं, इन तीनों चीज़ों को फिलहाल नहीं छेड़ना। ये जो डेक्सट्रिन है ये स्टार्च की टूटी हुई शेप है, स्टार्च को जब हीट किया जाता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, दे आर डेक्सट्रिन। और एगर जो है ये स्टिकी सा लेसदार कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टिन भी स्टिकी इन नेचर होता है, काइटिन इज़ ए पॉलीसेक्राइड विच इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, शायद कहीं 9th-10th में कहीं पे हो, इट इज़ फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, लाजमी याद रखना है इसको। ये सारे थिकनर के तौर पे यूज़ करते हैं हमारे खाने पीने की चीज़ों में, चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए, लाइक सूप, लाइक आइसक्रीम, लाइक पेक्टिन, जैम, जेलीज, जैम की आप वो शीशी लें उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स, उसके अज्जा लिखे होते हैं वहाँ पढ़े, वहाँ उन अज्जा में पेक्टिन भी लिखा होता है, तो इट इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, उन चीज़ों को महफूज रखने के लिए ज़्यादा देर के लिए, या फिर उनको थिकनर के तौर पर उनको गाढ़ा करने के लिए, स्टिकी करने के लिए ये यूज़ करते हैं। तो सूप को, आइसक्रीम को, मेडिकेटेड क्रीम्स को और कॉस्मेटिक्स को, इन सारी चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीसेक्राइड की, फर्स्ट टाइप वो है स्टार्च। स्टार्च को अब हम पढ़ने लगे हैं, और स्टार्च में हम कहेंगे दीज आर ए टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड, दे आर फाउंड इन फ्रूट, ग्रेन, सीड एंड ट्यूबर, आलू को बोलते हैं बायोलॉजी में, इनमें मोस्टली ये पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स में।
दे आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स, ये MCQ है। यानी इसको यूं नहीं लेना कि एनिमल्स के अंदर, नहीं, एनिमल्स जिनको यूज़ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो एनिमल्स यूज़ करते हैं, हम अपनी बात कर लेते हैं, तो हम ब्रेड रोटी वगैरह जो खाते हैं, ये सीरियल सारे स्टार्च हैं। और ऑन हाइड्रोलिसिस, जब ये ब्रेक डाउन होंगे तो ग्लूकोज अलग हो जाएंगे, मतलब ये कि बहुत सारे ग्लूकोज के जुड़ने से बनते हैं स्टार्च, लिहाजा स्टार्चेस ऑन ब्रेक डाउन दे यील्ड ग्लूकोज, मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये एक और MCQ है, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। तो आयोडीन सॉल्यूशन केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में, बायोलॉजी लेबोरेटरीज में मौजूद होता है, बल्कि मेरा ख्याल है मैट्रिक वालों ने शायद प्रैक्टिकल किया हो। तो आयोडीन को जब हम डालते हैं स्टार्च के साथ मिक्स करते हैं तो कलर डार्क ब्लू, जैसे ब्लू इंक होती है उस तरह कलर हो जाता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टार्च, की पहचान है ये ब्लू कलर हो जाना। वो आयोडीन में वो होते हैं आयोडाइड, तीन आयोडाइड वो रिएक्ट करते हैं तो उनकी वजह से ये ब्लूश कलर आता है स्टार्च का। तो ये भी याद रखना है आसान सी बात। अब एक छोटा सा शार्ट क्वेश्चन, स्टार्च की दो टाइप्स हैं, एमाइलोज स्टार्चेस एंड एमाइलो पेक्टिन स्टार्चेस। ये भी स्टार्च हैं, ये भी स्टार्च हैं, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करते हैं हल्का सा। एमाइलो स्टार्चेस हैव अनब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज। मैंने कहा था स्टार्च ये बनते ग्लूकोज से ही हैं, तो इसका चेन अनब्रांच है, उसकी ब्रांचेस नहीं होती। जबकि जो एमाइलो पेक्टिन है दे हैव ब्रांच चेन्स, इसकी ब्रांचेस होती हैं। कभी मौका मिला बोर्ड पेपर ब्रांचेस हल्का सा आइडिया दे दूंगा आपको, ना भी दे सका तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। नंबर टू, दे आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में हल हो जाते हैं ये जो एमाइलोज हैं, यानी ठंडे पानी में डाला हल नहीं हो रहा, पड़ा हुआ है, गर्म करो पानी को, डिजॉल्व हो गया। जो एमाइलोपेक्टिन है दे आर इन सॉल्युबल इन हॉट और कोल्ड वाटर, गर्म या ठंडे में दोनों में डिजॉल्व नहीं होते। तो ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के दो दो पॉइंट्स ये देखिए। अब आपको मैं इसकी हल्का सा डायग्राम गाइड कर दूं क्योंकि हमारी बुक ने बनाई हुई है। ये हमारी बुक में इसका नाम तो नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ है कि वे पॉलीसेकेराइड है, लेकिन दरअसल ये एमाइलोज है। और एमाइलोज की पहचान जो होती है, वैसे बता रहा हूँ आप नाम भी याद रखेंगे कोई मसला नहीं है, गुनाह नहीं मिलना इसका। तो वो ये जो ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं आपस में, एक ग्लूकोज देखना ये है इसका, ये कौन सा कार्बन नज़र आ रहा है, मैंने नंबर डाला 4। अगले ग्लूकोज का कौन सा नंबर है, ये 1। इसका देखना यहाँ कौन सा है, 4। इसका कौन सा है, 1। तो ये 1-4 लिंकेज बनाते हैं आपस में, ये ग्लाइकोजेनिक बॉन्ड जो बनता है 1 और 4 के दरमियान। इसका देखिए 4-1, उसका भी 4-1, इसका भी 1 और 4 के दरमियान। तो ये 1-4 लिंकेज बनाते जाते हैं और ये बल खाता जाता है। तो ये है एमाइलोज, ये हमने इसका नाम लिख दिया है, ये पॉलीसेकेराइड है। तो ये 1-4 लिंकेज इसकी खास पहचान है। आगे बढ़ रहे हैं, ये आसान है, पॉलीसेकेराइड्स क्योंकि फार्मूले वगैरह अब एंड हो गए हैं, अब जस्ट छोटी छोटी बातें हैं। ये आ गया जी आपका लास्ट पेज इस टॉपिक का, थोड़ी सी बातें हैं। तो वो जो स्टार्च अभी पड़ा है, हमने कहा है दे आर फाउंड इन प्लांट्स, तो प्लांट्स एनर्जी जो स्टोर करते हैं स्टार्च की शक्ल में, स्टोर करते हैं अपने अंदर, अपने सेल्स के अंदर। जबकि एनिमल्स, इंसान और एनिमल्स बाकी ये सारे जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो ये है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन। तो हमारी बॉडीज में ग्लाइकोजन एनर्जी स्टोर करने वाला, और प्लांट्स की बॉडी में एनर्जी स्टोर करने वाला, ख्याल करना, एनर्जी स्टोर करने वाला मैं कह रहा हूँ, एनर्जी देने वाला ग्लूकोज। और जब ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ग्लूकोज बॉडी में पड़े हुए हैं, फालतू पड़े हुए हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के बहुत सारे जुड़ गए प्लांट्स में तो स्टार्च कहलाएगा, बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ गए एनिमल्स में तो वो
ग्लाइकोजन कहलाएगा और वो स्टोर हो जाएगा एनिमल की बॉडी के अंदर। कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? एमसीक्यू याद रखना, ये देखना, लिवर एंड मसल्स स्पेशली यहाँ पे स्टोर होगा। और एक चीज़ और, ग्लाइकोजन का, इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, ये लिखा हुआ है, ये यानी स्टार्च की तरह की ही चीज़ें, यानी एनर्जी स्टोर करने वाली वाला कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन है एनिमल बॉडी में, वो प्लांट बॉडी में है, इसलिए कहते हैं एनिमल स्टार्च। इट इज द चीफ, ये मैंने लिख दिया चीफ, चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर चीफ मेन मेन किस्म का कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल बॉडी में स्टोर होता है। तो हमने पूरा सेंटेंस इसको बस बना दिया, हम इस आप इससे अलग अलग सेंटेंस बाद में बना दीजिएगा। चीफ एनिमल स्टार्च एंड लिवर एंड मसल, लिवर एंड मसल का एक सेंटेंस है, और चीफ के लिए एक एनिमल एक सेपरेट सेंटेंस है, और इट इज़ कॉल्ड एनिमल स्टार्च, एक और सेंटेंस है। इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, अभी क्या कहा था, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। इट इज इनसॉल्युबल, और इट यील्ड्स ग्लूकोस, इट इज ए ग्लूकोस पॉलीमर, यानी ग्लूकोस का मजमुआ है। तो जब ये टूटेगा तो इट विल गिव ग्लूकोस मोनोमर्स, ग्लूकोस के टुकड़े अलग हो जाएंगे, जैसे स्टार्च में हमने कहा था। आखिरी बात कार्बोहाइड्रेट की, ये भी आसान सी, बड़ी छोटी सी बातें हैं। सेलुलोस, सेलुलोस पहला एमसीक्यू इसका, इट इज द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड, ये हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, अगर ऐसे आएगा मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीसेकेराइड्स, और मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड सेलुलोज, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉलीसेकेराइड है वो सेलुलोज है सारी दुनिया के प्लांट्स में, और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट अगर आपको पॉलीसेकेराइड ने लिखा हुआ, यूं लिखा हुआ है, सेलुलोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, बताइए इन चार में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो फिर आपने सेलुलोज का नाम लेना है। ये एक और एमसीक्यू है, कॉटन जो होती है, जो कपास के रेशे होते हैं, दे आर प्योर सेलुलोज, और आपको पता है सेलुलोज मेक्स द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ये तो बहुत ही मशहूर सेंटेंस है, ये भी एमसीक्यू है। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट इट, हम सेलुलोज सारी दुनिया के प्लांट्स में हैं, तो एनिमल्स घास खा रहे हैं, हम घास खाने से महरूम हैं, वजह क्योंकि हम इसको, घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब आपने मुझे कहना है नहीं सर हम तो साग खा रहे थे, साग भी तो घास है, नो डाउट, लेकिन आप देखें ना साग के साथ हम हशर क्या करते हैं, साग को हम इतनी देर आग पे, आपकी अम्मी इतनी देर उसको आग पे सजा देती हैं कि उसका सारा सेलुलोज डैमेज हो जाता है। अब हम खा लेते हैं, अब हमें प्रॉब्लम नहीं है उसको डाइजेस्ट करने का, तो इसीलिए ह्यूमंस जो हैं डाइजेस्ट, वैसे घास वगैरह नहीं खा सकते, टू सम एक्सटेंट कुछ सैलड की शक्ल में कोई कुछ पत्तों को हम यूज़ कर लेते हैं, या साग की शक्ल में पका के, तो लेकिन नीचे लिखा हुआ है हर्बीवर्स कैन डाइजेस्ट। हर्बीवर्स कौन से होते हैं? प्लांट ईटर्स जो होते हैं, जो पौधों को खाते हैं, एनिमल्स, दे कैन डाइजेस्ट, वजह इन दियर गट, इनकी गजा की नाली में एक एंजाइम पड़ा हुआ है सेलुलेज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एज एंजाइम के नामों के एंड पे होगा, मिलेगा आपको, और ओज शुगर्स कार्बोहाइड्रेट के एंड पे, तो सेलुलेज वो एंजाइम जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो देखें यहाँ ह्यूमन बॉडी में नो सेलुलेज, वाइल इन एनिमल बॉडी, इन हर्बीवोर्स बॉडी सेलुलेज प्रेजेंट। उनके आंतों में, स्टोमिक में कहाँ से आ गया? फ्रॉम प्रोटोजोआ, उनके अंदर ऐसे जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, यीस्ट है, प्रोटोजोआ हैं, जो वो सेलुलेज बना बना के उन एनिमल्स को दे रहे हैं, और वो फिर घास को डाइजेस्ट करते हैं। याद रहे एक और एमसीक्यू सेलुलोज का, कि इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन, तो स्टार्च का कलर था आयोडीन के साथ ब्लू, ग्लाइकोजन था रेड, और इसका नो कलर विद आयोडीन, और इट इज़ आल्सो ए ग्लूकोज पॉलीमर, मतलब ये कि इट विल आल्सो यील्ड
मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स व्हेन सेलुलोज इज ब्रोकन डाउन, जब ये टूटेगा तो इससे भी बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे। यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया कार्बोहाइड्रेट का। तो कंपैरेटिवली सिवाय एक उस फार्मूले के आज सारी बातें बाकी आसान हैं, तो इनको कर लीजिएगा। और अब मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ पेज टेस्ट वाला। मैं टाइम पहले चेक करूँ कितने मिनट हो गए हैं, ताकि फिर हमें आइडिया हो जाए कि टाइम, बस टाइम पूरा हो गया हो तो पेज आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको इस टॉपिक का हिस्सा बना के दे रहा हूँ, आप ऑनेस्टली खुद से करेंगे। मेरा ख्याल है सारे बच्चों को सारे ही एमसीक्यूज आते होंगे। फिर मुझे मैं कोशिश करूँगा की दे दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग चेक कर लें, और फिर मैं भी, मुझे भी दिखा दीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए किन बच्चों ने ये किया था। तो ये हमारा एक मेजर टॉपिक एंड हो गया। अगला मेजर टॉपिक, उसमें फिर कुछ सीधी सादी चीज़ें होंगी, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी, कुछ फार्मूले होंगे, लिपिड्स वो करने वाले हैं, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोटीन्स करते जाएंगे, और फिर लास्ट टॉप में न्यूक्लिक एसिड पे चले जाएंगे। तो ये बड़े ज़बरदस्त टॉपिक हैं, समझने से ताल्लुक़ रखते हैं, और ध्यान दें तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो हम यहाँ पर हम इख्तिताम कर रहे हैं, अल्लाह निगहबान।